हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंचे अपने मौसी के गांव। तो आज उनको उनका घर दिखाएंगे आपको। तो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ इनका घर, झोंपड़े वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, वो सब दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले दिखाते हैं ये रूम, ये देखिए मौसी ने अच्छे से बर्तन सेट कर रखे हैं। ऊपर भी है कुछ बर्तन डिब्बे वगैरह। यहाँ पे ये हमारा बिखेरा सारा बेग सामान बिखरा पड़ा है। अभी कपड़े निकाले थे नहाने के लिए तो सारे यहीं छोड़ दिए बिखेरा। तो एक रूम ये हो गया, इसके पास ही है ये किचन, छोटा सा सुंदर सा। और इसी में एक साइड मंदिर सेट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है मंदिर इनका। मंदिर के बाद किचन से बाहर निकलते हैं एक बार। और किचन के जस्ट पास ही है ये चूल्हा बनाया हुआ है यहाँ पे। हमारे इसको बोलते हैं ओटिया। और ये मासी जी इधर पानी लेके आ रहे हैं डिग्गी में से। जिसमें खूब सारा पानी रहता है उसे डिग्गी बोलते हैं। डिग्गी दिखा देते हैं आपको पास से, आप सोच रहे हैं क्या है डिग्गी ये। तो ये है डिग्गी, खूब सारा पानी रहता है इसमें, वो सब दिखा दिया। फिर ये इधर है बाथरूम, ये इनका ट्रैक्टर खड़ा है, इसको ढक रखा है, रात को ठंड पड़ती है ना ज़्यादा, इसको ठंड लग जाएगी। अभी जो मेरा भाई है ना, मतलब मासी का बेटा अज्जू, वो इधर सो रहा है, दिखाती हूँ। अभी 9-10 बज गए फिर भी सो रहा है वो ढूंढ। तो गाइज ये अज्जू मेरा भाई डूम, जो अभी तक सो रहा है। देखिए दिखा, शक्ल दिखा, दिया देखिए ये सो रहा है। चंदन बनावा अभी तक दिखा, ये चुप रहा है, इसको शर्म आ रही है, भाई अभी तक सो रहा है। इसको तो मैंने गोद में खिलाया, देखो कितना बड़ा हो गया। अज्जू बता इस रूम के बारे में। ये है लाइट वाला, यहाँ से मोटर वोटर से सेट कर रखी है। ये सकती है। हाँ ये शक्ति मोटर है, क्योंकि जो खेत में फुहारे चलते हैं वो इन्हीं से चलते हैं ना। हाँ तो मेरे को तो पूरा पता है नहीं। और ये अज्जू है जो उठ नहीं रहा, और ये कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि ये बेचारा सोया था 4 बजे। 4 बजे क्यों सोया बताओ? क्योंकि रात को लाइट थी तो फुहारे चला रहे थे, इसलिए जग रहा था बेचारा। पढ़ाई भी करता है, ऐसी बात नहीं है, आप सोच रहे हैं खेती का काम करवाते हैं इससे सारा। तो चलो एक बार इधर का दिखा देते हैं आपको, थोड़ा और झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये झोंपड़ा हमारे गंगानगर साइड ऐसे नहीं है, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको अंदर से। गुड्डू देखो कैसे चेयर पे खेल रही है। हेलो करो। अरे जी, चिड़िया कैसे करती है, ये अंदर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इनके छोटी सी आटा चक्की है। इधर सब लोग अपने घर में आटा चक्की रखते हैं, घर घर पे ही आटा पीसते हैं ये। तो ये कूलर रखा हुआ है इधर। देखिए झोंपड़े में भी इतना कुछ सामान है इनके, देखो लाइट की सुविधा सब कुछ है। आंटी यहाँ गट्टा में की है। तो इनमें है गेहूं और मेथी, जो ये थैले रख रखे हैं यहाँ पे। और ये है इनका संदूक, छोटा सा। छोटा तो नहीं है, बड़ा है खूब। तो ऊपर की छत दिखाएं आपको। कमांडो सर भी आ गए अंदर झोपड़ा देखने। कैसा लगा आपको ये झोपड़ा, इधर का रेगिस्तान, मेरी मौसी का घर? अब इतने सवाल पूछ लिए तो जवाब कैसे देंगे बेचारे, क्या करूं मैं, थोड़ी ज्यादा बोलती हूँ, ये कम बोलते जवाब हैं। स्कूल में ही नहीं दिए हैं। तो फिर कमांडो कैसे बन गए? अरे मेरी चोटी मत खींच बाबू, अंशिका बहुत खुश है इधर आके। तो यहाँ पे है ये पशुओं का चारा, जिससे हमारे
तूड़ी बोलते हैं, मतलब जो गेहूं का चारा होता है वो यहाँ पे इसे ऐसे ढक रखा है, नहीं तो ये बारिश आने पे फिर भीग कर खराब हो जाता है। तो चारा दिखा दिया तो पशु भी दिखा देते हैं। तो यहाँ का दूध इतना टेस्टी है, घी दूध मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का, पता नहीं क्यों क्या कारण है। तो ये है इनकी गाय जो दूध देती है, ये है गाय, इधर देखो। एक ये गाय है, एक ये है, एक ये है, चार पशु है। तो ये है इनका पिंजरा, बाहर से देखिए ऐसा है, इसमें सामान रख देते हैं ताकि कोई मतलब जानवर मतलब खाए ना सामान। तो ये देखिए इसमें दूध रखा है, दही है, इसमें क्या है दही, और ये इधर सब्जी रखी हुई है, इसमें ये रात इन्होंने अपने जवाई के लिए बनाया हलवा, मौसी ने मतलब हलवा नहीं बेसन की बर्फी है, जैसे बेसन का हलवा सब बोल दो चाहे बर्फी बोल दो, और ये सब्जी रखी है इधर। सजी है मिल लीजिए इनसे भी। हेलो। ये अज्जू डूम जो अभी उठ के आया है, मुंह धो रहा, देखो डूम भाई मेरा। मौसी जी पशुओं को पानी पिला रहे हैं। तो बड़ा डूम सिंगर बन आई है ना।